दोस्तों, अगर आप हिंदी टाइपिंग करना नहीं जानते दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन से आप दोस्तों हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी दोस्तों कोई किसी पूरा आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई भी ऐप्स का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या सेटिंग करना दोस्तों, मैं इस पूरा वीडियो बताऊँगा। अगर दोस्तों आप सैमसंग का फ़ोन चलाते तो और अच्छा है, नहीं कि नहीं दोस्तों, लेकिन कोई भी फ़ोन में आप कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार में जाना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च बार में जाने के बाद अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि टाइपिंग करके, दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ टाइपिंग करके। मेरा नाम है पिंटू, PINTU दोस्तों। मैं इसको टाइपिंग किया दोस्तों, देख सकते हैं कि इंग्लिश में टाइपिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसको मैं हिंदी में कैसे करना है दोस्तों, मैं इसको इस तरह करके मैं इसको इस तरह करता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी में हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हिंदी में हो चुका है, मैं दोस्तों कुछ भी टाइपिंग करूँगा दोस्तों ये हिंदी में हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं मैं हिंदी में लिख रहा हूँ मोहन, MOHAN। आप दोस्तों देख सकते हैं मैं इंग्लिश में टाइपिंग किया और दोस्तों यह हिंदी में हो चुका है। दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं ऐसा सेटिंग दोस्तों, मैं इस पर वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग है, यहाँ पे दोस्तों आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग मिल जाएगा। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको दोस्तों लैंग्वेज एंड टैब्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। मैं पे हिंदी या फुल कीबोर्ड में हिंदी में कर चुका हूँ, यानी हिंदी सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश यूएस। तो सिंपली दोस्तों आप क्या करना है, मैनेज इनपुट लैंग्वेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो जो भी लैंग्वेज ऑन करना है दोस्तों यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। दोस्तों मैं हिंदी या ऑन कर सकते हैं, इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। दोस्तों मैं हिंदी को बंद कर दिया और दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हिंदी टाइपिंग अभी नहीं हुआ दोस्तों। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ मैं सर्च बार में गया और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हिंदी टाइपिंग बंद हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप कोई भी कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं सिर्फ यहाँ इंग्लिश ही शो कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश ही शो करेगा। और सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं दोस्तों वहाँ पे वन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे आता है या फिर नहीं। तो मैं दोस्तों फिर से यहाँ पे सर्च बार में जाता हूँ और दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और दोस्तों मैं यहाँ पे लैंग्वेज एंड टैप्स पे जाना है। अब दोस्तों यहाँ मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस में दोस्तों पे आपको हिंदी को वन कर देना है। अब दोस्तों जो भी लैंग्वेज वन कर दीजिएगा दोस्तों, वो भाषा में टाइपिंग होने लगेगा दोस्तों। आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा लेकिन दोस्तों आपके बहुत सारे लैंग्वेज टाइपिंग हो जाएंगे दोस्तों। इस सैमसंग फ़ोन में ऐसा सेटिंग दिया हुआ है, दूसरा फ़ोन में हमको नहीं पता दोस्तों, लेकिन उसमें भी शायद दिया होगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्ट टाइपिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो रिप्लेस का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। इंग्लिश भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों, आप किसी को भी ऑन कर सकते हैं, तीनों को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इंग्लिश भी, यहाँ पर ऑटो स्पीड चेक, इस तरह करके दोस्तों आप इंग्लिश में टाइपिंग करके आप हिंदी में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।